परवर्ती खबर को आसवा रथजात्रा दुई दिन छुट्टी घोषणा करती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पूरी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री यह घोषणा कर चलित बर्ष रथजात्रा दुई दिन चलने निष्पत्ति रथजात्रा प्रस्तुति उपर शेष समीक्षा बैठक होता पूरी पौर सदन में बसी बैठक आ बैठक में अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से भली दुईज उपमुख्यमंत्री मंत्री जिलार विधायक मैंने उपस्थित रही है आपटे जिलापाल एसपी श्रीमंदिर प्रशासनिक अधिकारी बैठक में सामिल होते समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कहते चलित बर्ष विरल और अभूत रथजात्रा होगापी जा दीर्घ 53 वर्ष पर चलित बर्ष विरल रथजात्रा होगापी जा नुआ सरकार ने एभली सुजोग आसीबा आमर भाग्य चलित बर्ष दुई दिन में रथजात्रा समापन हेबो तेणु सरकारी स्तर में जो गोटे दिन छुट्टी थिला ताकु आउ गोटे दिन वृद्धि करने निर्देश देते रथजात्रा जेभली सुरखुरी समापन हेबो सेतिपाई समस्तंक सहयोग लोडिछंती मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रथजात्रा देखिबा सहित रथ टाणी इच्छा प्रकाश करिछंती तेणु एहा बेस खुशी एवं गौरवर कथा ए विरल रथजात्रा को सफल करने आह्वान देछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी आज मुख्यमंत्री अध्यक्षतार रथजात्रा समीक्षा बैठक अनुष्ठित दुईज उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंहदेव प्रभाती परिडा आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन वाणिज्य मंत्री विभूति जेना स्वास्थ्यमंत्री डॉक्टर मुकेश महाली प्रमुख उपस्थित रही थे पुलिस डीजी और विभिन्न विभाग अधिकारी बैठक में सामिल होते श्रृंखलित दर्शन भिड़ नियंत्रण आदि विभिन्न प्रसंग में आलोचना चलित बर्ष रथजात्रा विरल रथजात्रा आउ से किभरी भाव में ये रथजात्रा को सफलता पूर्वक समस्त रीतिनीति कांति को करिबा सहित रथजात्रा केमती सहल भाव में हो पार से आज समीक्षा बैठक समस्त को नहीं डका जाइथिला एवं ये रथजात्रा सफल हेबा पाई समस्त आंतरिकता एवं इच्छा थिबा कारण निश्चित भाव में सफल हेब ए आलोचना सफल पूर्वक होइछि एवं समस्त सरकारी अधिकारी मानकु मध्य निर्देश दिया जाइछि समाने तांकर दायित्वपूर्ण भाव में समस्त कार्य को सफलता सहित संपादन करिवे एवं समस्त श्रीमंदिर सहित संप्रुक्ति थिबा सेवायत एवं निजगर एवं अन्य समस्त जो माने संप्रुक्ति अछंती रथयात्रा रे समस्त सहित आगुरु मध्य आलोचना होई आज तार समीक्षा थिला एवं निश्चित भाव रे ये रथयात्रा विरल एवं अद्भुत पूर्व हेले मध्य एहा समस्तंकर सहयोग रे एवं महाप्रभु को आशीर्वाद रे सफल हेबो एवं सेथिपई आज ये बैठक मध्य सफल होई सेथिपई मो समस्त को अपील करूछि जे एहा किभरी भाव में सफलपूर्वक काम हो पार समस्त सहयोग गणमाध्यम समस्त टीम को मध्य मु अनुरोध करी से सहयोग पूर्वक ये कार्यक्रम को सफल संपादन करेबारे सहभागिता रखिबे रथयात्रा पे पुलिस अरेंजमेंट प्रस्तुत हो 180 प्लाटून फोर्स आम मुतयन करूँ एवं वरिष्ठ अफिसर मान दायित्व दिखाई विभिन्न दायित्व दिखाई एवं समस्ते रिव्यू कर सारे मुझे दुई दुईट रिव्यू कर सारे एवं वर्तमान जमी आम पुलिस बंदोबस्त सठिक सुरक्षा ठीक एवं शांति श्रृंखला सहित रथयात्रा हो तार आम सब प्रकार प्रस्तुति कर सारी माननीय मुख्यमंत्री आज जो समस्त कहले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी तांकर निष्ठा एवं श्रद्धा सह दायित्व समापन करिवे एवं जमी रथयात्रा सुरखुरी रहा आम ये जो समुद्र तटर सुरक्षा पे कोस्ट गार्ड को आम अनुरोध करें समुद्र तटर पेट्रोलिंग करिवे एवं से आमर अनुरोध को रक्षा कर बोट्र मुतयन हम हेलिकप्टर मुतयन हम एवं से समुद्र तट को पेट्रोलिंग करेंगे या व्यतीत आंतर्घातीय कार्यकलाप जी किसी हुए तापे आम बम डिस्पोजल डिटेक्शन ऑफ डिस्पोजल स्क्वाड मुतयन करूँ आमर चारोटी एंटी सपोर्टा चेक टीम रे स्निफर डग एवं से माने सबू बड़दाण्ड को जिते सबू
ସ୍ଥାନ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟି ସବୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗସ୍ତ ରହିଛି, ବିଭିଆଇପିଙ୍କ ଗସ୍ତ ରହିଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାରି ଭିତରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିବେ, ଯେଉଁସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲିକପ୍ଟର ବା ବିମାନ ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଚାରିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେଭଳି ଗସ୍ତ ଏବଂ ରହଣି ଅଞ୍ଚଳ ହେବ ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବେ, ଯେଉଁସବୁ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚାରିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି 7 ତାରିଖ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବା ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାଠୁ ବଡ଼ି ଖୁସିର ଖବର ହୋଇନପାରେ।